नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और आज बात करेंगे गली गली बच्चियों के गुनाहगार। जी हां, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक बिल्डिंग के पानी की टंकी से 3 दिन से लापता बच्ची का शव बरामद हुआ है। 6 साल की मासूम बच्ची उसी बिल्डिंग में रहती थी। पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज किया था। 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी उसे ढूंढने में जुटे थे। इस पर आइए पहले सबसे पहले रिपोर्ट देखते हैं। थानों के 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी, डॉग स्क्वाड, ड्रोन, 1000 फ्लैटों की तलाशी। 72 घंटे बीतने के बाद 5 साल की मासूम को ढूंढ पाई पुलिस, लेकिन जिंदा नहीं, मुर्दा उसी बिल्डिंग से जहां वो रहती थी। जो घटना हुई है वो किराए का फ्लैट लेकर यहां पर रह रहा था अपने माता और पिता के साथ, और उसी में ताला लगा हुआ था। दरअसल फ्लैट अंदर से खुला था, लेकिन जो मेन एंट्रेंस गेट है उस पर ताला लगा हुआ था। तो दो फ्लैट कनेक्टेड थे आपस में, जिसके अंदर शव बरामद हुआ है। और सुबेरे आज जब फिर पुलिस पहुंची थी मृतक बच्ची के यहाँ, तो पुलिस के अधिकारियों को गंध आई, और उसी गंध के आधार पर जो है पुलिस के अधिकारियों को संदेह हुआ। उन्होंने कहा कि आसपास गंध क्यों आ रही है, तो जो आरोप जो जिसके घर से बरामद हुआ है बच्ची का शव, उस महिला ने कहा या तो चूहा मर गया है या कुछ और होगा, इस लिहाज से गंध आ रही है। लेकिन शव उसी घर में से मिला, और पुलिस जब घर की तलाश शुरू की, पानी की टंकी को देखा, तो उसमें बच्ची बरामद हुई। बिल्डिंग में रहने वाले लोगों के घरों में वॉशिंग मशीन तक खोलकर तलाशी हुई। नाराज लोग अब पूछ रहे हैं पुलिस बच्ची के घर के सामने वाले बंद फ्लैट को खोलकर देखने से क्यों चूक गई। क्या हुआ था, क्या बच्ची का कहां क्या मिला, क्या रहा? सर, घर के सामने वाले घर में, सामने वाली है घर के जस्ट सामने है, टंकी के अंदर जो पानी के ऊपर टंकी रखी रहती, टंकी के अंदर बच्ची को डाल दिया। 3 दिन से बच्ची ये काम था कि उस घर को भी खुलवाना चाहिए था, क्यों नहीं खुलवाया पुलिस ने? उनको ये देखो आया था, पुलिस पूरी तहकीकात कर रही थी, अपना काम पुलिस ने पूरी तरीके से किया है। यही रहती है, बल्टी में चंचल नाम है उसका और उसकी माँ, दोनों ने मिलके। पुलिस कह रही है वो तंत्र मंत्र, आपसी रंजिश से लेकर यौन उत्पीड़न जैसे हर पहलू की जांच कर रही है। बॉडी तो सस्पेक्टेड कंडीशन में ही मिली है, तो ऑब्वियसली मर्डर की संभावना से तो इनकार नहीं किया जा सकता। मैम, ऐसी अफवाहें भी उड़ रही कि तंत्र विद्या से कभी एक एंगल निकाला जा रहा है, रिवेंज का तो सामने आ ही जाएगा इन्वेस्टिगेशन में, तो ये पूछताछ के बाद ही सब क्लियर होगा कि ये कौन सा एंगल था। उधर नाराज लोगों ने भोपाल की सड़कों पर चक्का जाम कर दिया। कांग्रेस ने भी प्रदर्शन किया। मोहन यादव, इस बच्ची को लेके कहाँ जाएं, इसके शव को लेके कहाँ जाएं? तुम्हारे बंगले आए? और वो कलेक्टर साहब कहाँ हैं जो बेरसिया में खड़े होके चिल्ला रहे थे कि जो आप कहोगे सब हो जाएगा, जो बीजेपी के कार्यकर्ता कहेंगे सब हो जाएगा? घेराव करने के लिए वाजपेयी नगर मल्टी के तमाम रहवासी पहुंचे हुए हैं, आप देख सकते हैं। खासतौर पे लंबा जाम लगाया हुआ है और चक्का जाम किया हुआ है इन्होंने, और यहाँ पर मौजूद हैं तमाम जितने भी मल्टी के रहवासी हैं। उनकी मांग है कि आरोपियों को सजा दी जाए, आरोपियों को पुलिस यहीं लेकर आई हुई है, और तमाम पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद हैं और पुलिसकर्मियों से बहस करते नजर आ रहे हैं, और बड़ी संख्या में पहुँचे हुए हैं। पूरा ट्रैफिक जाम कर दिया है यहाँ पर, और पुलिस उनको थाने के बाहर ही रोके हुए हैं। किसी भी व्यक्ति को थाने के अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। सबका कहना है कि ना सिर्फ जो है इस पूरे मामले में आरोपियों को सख्त सजा दी जाए, बल्कि उन्हें जो है पीड़ित परिवार जो है मृतक परिवार के मृतक के परिजन जो हैं उनको ना सिर्फ जल्दी से न्याय दिया जाए, बल्कि मुआवजा दिया जाए। राजू बातम के साथ अजय शर्मा, एनडीटीवी भोपाल।
भोपाल के शाहजहांबाद थाने के वाजपेयी नगर से गायब 5 साल की बच्ची का शव मल्टी से बरामद हुआ और इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 महिला एक पुरुष शामिल हैं। बच्ची 36 घंटे से लापता थी, तब से पुलिस लगातार बच्ची की तलाश कर रही थी, लेकिन जैसे ही बच्ची का शव मिला लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। और आपको बताते चलें कि इसी पूरे मुद्दे पर अब कहीं ना कहीं चर्चा का विषय है। हमारे साथ खास पैनल भी जुड़ चुका है, डॉक्टर ईला गुप्ता साइकोलॉजिस्ट हैं, अरविंद खरे रिटायर्ड डीएसपी हैं, सीमा सोलंकी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, अजय शर्मा हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। तो लगातार देखिए अब आक्रोश तो देखने को मिल रहा है, और इस पूरे मामले में सबसे बड़ा खुलासा ये हुआ कि आरोपी ने अपना जुर्म कबूल किया, उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया, उसका गला घोटकर उसकी हत्या की, और उसके बाद जब पुलिस का पहरा देखा तो पहरे को देख के डर गया और शव को टंकी में फेंक दिया, छुपाने की कोशिश की। स्मेल आने के बाद इसकी पड़ताल की गई तो पता चला कि शव तो टंकी में है, और परतें खुलती गई। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, सबसे पहले अरविंद खरे आपके पास आना चाहूंगी सर, क्योंकि पूरा मामला जिस तरह से सामने आया है और जो हम पिछले कई समय से आंकड़े देखते आ रहे हैं, यही देखने को मिल रहा है कि मध्य प्रदेश में बच्चों के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लोगों की मानसिकता कितनी खराब होती जा रही है बच्चों को लेकर। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत ही जघन्य घृणित और मानसिक अपराध है। इस टाइप के अपराधी मानसिक तौर पर बड़े घृणित मानसिकता के होते हैं और जघन्य अपराध है, और इसके लिए मध्य प्रदेश में पास्को एक्ट है और 302 के अंतर्गत पुलिस ने जांच कर रही है। पुलिस की इस संबंध में बहुत बड़ी तारीफ करेंगे, पुलिस ने अपनी पूरी टीम लगा के, पूरी ताकत लगा के इतनी जल्दी प्रकरण ट्रेस किया। इस टाइप के प्रकरण ट्रेस करना पुलिस को, इसमें भोपाल पुलिस को मैं बधाई देता हूँ। अब रहा इसके बाद इसकी कार्रवाई आगे ही क्या होगी, यह पुलिस का अनुसंधान एक SIT बनाएगी, बहुत ही अच्छे ढंग से अनुसंधान करेगी। इसमें सिर्फ एक ही चीज का मेरे को सुझाव है कि जो अधिकारी इसकी जांच कर रहे हैं वो इतनी बेहतरीन जांच करें ताकि फास्ट ट्रैक में कोर्ट में आरोपी को फांसी की सजा तत्काल हो। यदि आरोपी बरी होते हैं तो जांचकर्ता अधिकारियों की लायबिलिटी फिक्स की जाए। अभी कानून में एक कमी है, पास्को एक्ट और 302 पुलिस अनुसंधान में यदि अदालत द्वारा बरी होते हैं अपराधी तो IO के खिलाफ उतनी कार्रवाई नहीं होती। इसमें मेरा एक ही सुझाव है, पुलिस कमिश्नर बहुत ही बेहतरीन पुलिस कमिश्नर है भोपाल के, कि जो अनुसंधान करे उसकी लायबिलिटीज फिक्स करे कि हर हालत में इस अपराधी को जितनी सी जल्दी हो सके फांसी की सजा होना चाहिए। इसमें समाज में बहुत भय व्याप्त हो जाता है, तो हर घर में, हर बच्चे, हर परिवार में छोटी छोटी बच्चियां रहती हैं। ये संवेदनशील मामला है और मेरे ख्याल से अभी तक पुलिस की जो कार्रवाई चल रही है संतोषजनक चल रही है और आगे भी संतोषजनक चलेगी। ये बहुत ही घृणित और मानसिक तौर पे जो जिसे बोलते हैं ना अत्यधिक घृणित अपराध है, इससे समाज में भय का वातावरण हो जाता है और हर परिवार में बच्चियां बच्चे रहते हैं। बिल्कुल, और अब कहीं ना कहीं अब इस पूरे मामले में कार्रवाई तो हमें देखने को मिली है कि पूरे सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। डॉक्टर ईला गुप्ता जी साइकोलॉजिस्ट हैं, आपसे समझने की कोशिश करेंगे ईला जी, क्योंकि आज के समय में देख रहे हैं कि बच्चों के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं। NCRB की पिछली रिपोर्ट में भी ये खुलासा हुआ था कि 2021 के मुकाबले 2022 में 8.7% बच्चों के खिलाफ मामले बढ़े हैं, और ऐसे में लगातार लोगों की मानसिकता ये बताती है कि बच्चों को सॉफ्ट टारगेट समझ के उनके साथ अपहरण किया जा रहा है, दुष्कर्म किया जा रहा है, क्राइम को अंजाम दिया जा रहा है। आखिर मानसिकता कहां? अगर हम इस तरह की मानसिकता की बात करेंगे तो ये एक तरीके का साइकोटिक डिसऑर्डर होता है जो हमारे पॉपुलेशन में 2% के करीब पाया जाता है, जिसमें जो व्यक्ति है वो आती हैं और उसको अपने दिमाग पे कंट्रोल नहीं रहता। अगर उसको डिजायर है, अगर चाहा है कुछ गलत, हमारी नजरों में गलत काम करने की, तो वो जरूर करेगा। तो यहाँ पे एज ए साइकोलॉजिस्ट मैं ये कहना चाहूंगी कि हम बच्चों को कितना बांध के रखेंगे, बच्चे तो घर में खेलेंगे भी और बाहर भी थोड़ा सा निकलेंगे। तो यहाँ पे जितने भी बड़े लोग रहते हैं, मतलब परिपक्व लोग जो रहते हैं सोसाइटीज में या फ्लैट्स में, आप लोग जरूर चेक करें कि कोई ना कोई व्यक्ति, क्या वो मिल रहा है सबसे, कि उसके फ्लैट का दरवाजा हमेशा बंद रहता है किसी से। जैसे फ्लैट में ज्यादातर जो लोग रहते हैं फैमिलीज, वो एक दूसरे से मिलते हैं, बात करते हैं अड़ोसी पड़ोसी, बट अगर कुछ इस तरह का संशय होता है
तो तुरंत पुलिस को खबर करें और पुलिस जो है उनके सेल में जो साइकोलॉजिस्ट है उनको बता सकती है, तो उस व्यक्ति का इलाज हो सकता है और भविष्य में वो इस तरह की हरकत नहीं कर पाएगा। तो ये एक बहुत जरूरी चीज है कि हमें बच्चे को हम कैसे रोके। वो बच्चा तो बहुत नाजुक चीज है, वो कहीं पे भी खेलने निकलेगा और ये लोग उसको उठा के उसके साथ गलत काम करेंगे। तो यहाँ पर चाहे कोई भी हो, किसी भी प्रकार की कॉलोनी हो, रिहायशी एरिया हो, तो हमें कुछ लोगों को जांचना पड़ेगा कि कैसे कोई व्यक्ति एकदम अनसोशल है, अकेला रहता है, दरवाजा बंद रहता है, किसी से बातचीत नहीं करता, तो कहीं ना कहीं उसको कुछ मानसिक प्रॉब्लम तो नहीं है। बिल्कुल। तो अगर हम ये जांचते हैं तो शायद 1-2% हम इस तरह के जो चीजें हमारे समाज में हो रही हैं हम उनको कंट्रोल कर पाएंगे। बिल्कुल। सहयोगी अजय भी हमारे साथ जुड़े हैं, थोड़ी देर पहले वो पूरे इस वारदात को बताते हुए, घटनाक्रम को बताते हुए नजर आ रहे थे। एक बार फिर से मैं चाहूंगी कि इस पूरी घटनाक्रम को हम समझें ताकि यहाँ पर हमें समझ में आए कि उसकी साइकोलॉजी क्या कहती है, क्या कुछ मानसिकता है और परिवार का यहाँ पर कितना ज़्यादा सहयोग देखने को मिल रहा है। एक तरह से माँ बहन भी यहाँ पर सपोर्ट करती हुई नजर आ रही थी आरोपी की। अजय देखिए अस्मिता, आज सुबह से इस मामले को देख रहा हूँ और 6 साल की बेटी का पिता हूँ, मुझे भी बड़ी हैरान सी हो रही है क्योंकि जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम बताया कमिश्नर ने मुझे कुछ देर पहले, तो वो बहुत डरा देने वाला है। आखिर आप कहाँ लेकर जाएंगे पूरे समाज को, जिस तरीके से माँ भी साथ दे रही हैं अपराध के मामले में, बहन भी साथ दे रही हैं और भाई ऐसी घिनौनी और पूरे समाज को घृणा कराने वाली अपराध को अंजाम दे रहा है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। उसका शव जो है बच्ची का इतनी बुरी स्थिति में मिला था कि जो डॉक्टर पोस्टमार्टम करने बैठे थे तो कुछ देर के लिए वो भी बच्ची के शव को स्ट्रेचर पर रख कर इधर उधर हो गए थे। और ख़ासतौर पर जो महिला डॉक्टर उसका पीएम कर रही थी वो कुछ देर के लिए बाहर टहलने चली गई और दूसरे डॉक्टर उन्हें पीएम को जारी रखा कि किस जो हालात थे उस वक्त वो बड़े तकलीफ दे और कष्टप्रद थे। डॉक्टरों ने जैसे ही पोस्टमार्टम के लिए उसको रखा गया था वैसे ही बता दिया था करते वक्त कि जो हालात हैं वो बेहद ही चिंताजनक हैं और गला घोट कर इसकी हत्या की गई है। पहले इसके साथ दुष्कर्म किया गया, बड़े विभत्स तरीके से किया गया है, बच्ची की आंतें बाहर आ गई थी। तो समझा जा सकता है कि किस तरीके से पूरे हालात रहे हैं। इस पूरे मामले में भोपाल पुलिस ने जरूर, भोपाल पुलिस की कोशिश थी कि ताबड़तोड़ का जाँच की जाए, ताबड़तोड़ आरोपी को पकड़ने के लिए काम किए जाएं, ड्रोन से निगरानी, डॉग स्क्वाड से निगरानी, साइबर एक्सपर्ट की मदद, जितने संसाधन हो सकते थे, तकरीबन 4 थानों का बल कल शाम से जिस तरीके से सड़क पर उतरा था उस इलाके में, इसके पहले कभी नहीं इस तरीके के हालात देखने को मिले। मैंने अभी तक इस तरीके से किसी भी बलात्कारी को पकड़ते हुए पिछले 14-15 सालों की मेरी पत्रकारिता में नहीं देखा कि कहीं किसी इलाके में ड्रोन भोपाल पुलिस उड़ा रही है। सिर्फ बलात्कारी कहाँ हो सकता है उसको पकड़ने के लिए, बच्ची कहाँ हो सकती है उसको देखने के लिए 4-4 पुलिस के डॉग लगे हुए हैं, साइबर एक्सपर्ट की टीम वहाँ पर अपना सिस्टम लगा के बैठी है, कई नंबर, तकरीबन 15,000 लोगों की मल्टी में 2,500 लोगों का आपराधिक रिकॉर्ड है वहाँ पे। उन 2,500 लोगों को चिन्हित करके उनसे पूछताछ, एक एक घर की वॉशिंग मशीन को खोलकर देखना, गेहूं की अनाज से भरी हुई टंकी को खंगालना से लेकर किसी के जो दीवान होते हैं आमतौर पर बेड होते हैं उनको खोल खोल के चेक करना, ब्रीफकेस खोलना, सूटकेस खोलना, मतलब आप सोचिएगा कि बार बार इस चीज़ को प्रोसेस को अपनाया गया। और खुद भोपाल पुलिस के कमिश्नर हरिनारायण चारी जूते पिछले 72 घंटे के अंदर 3 बार घटनास्थल गए, उन्होंने पीड़ित परिजनों से पूछा कि आपको बताइए कि किस पर संदेह क्या है, ये तमाम बात है। लेकिन इन सब के बीच में राजधानी भोपाल में जिस तरीके से बच्चियों के प्रति अपराध का ग्राफ पिछले कुछ समय में बढ़ा है उसके चलते राजधानी भोपाल का पूरा माहौल जो है, जो पेरेंट्स हैं खासतौर पर स्कूल की वारदात हो या मल्टी में हुई वारदात हो, वो बहुत ज़्यादा दहशत में हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो चुके हैं लोग। पुलिस जागरूकता की बात कह रही है, बच्चियों को लेकर अलग अलग जगहों पर कैमरे लगाने की बात कह रही है। भोपाल पुलिस कमिश्नर ने खुद ने तमाम सांसदों और विधायकों से आग्रह किया कि आप विधायक निधि खर्च भी करते हैं तो थोड़ा कैमरों पर भी खर्च कर दीजिए ताकि इस तरीके से कैमरे सीसीटीवी लगे रहेंगे तो इससे बहुत अपराध अनुसंधान में हमें मदद मिलेगी। ये उनका तर्क था इस मामले में। लेकिन सवाल यही है कि आखिर बच्चियों के प्रति अपराध कब रुकेंगे, कैसे समाज के एक बड़ा तबका जो भी अपराध जी अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं कम होने के बजाय और लोगों में भय भी कम होता जा रहा है। सीमा सोलंकी जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ऐसे में
आज के समय में सीमा जी अगर हम समाज को देख रहे हैं, काफी असंवेदनशील हो चुका है। बच्चे स्कूल जाते हैं अच्छी शिक्षा ग्रहण करने, अच्छे आचरण को लेने के लिए, अपने आकर्षित करने, समझने के लिए, लेकिन वहां पर शिक्षक ही उनके साथ अपराध करता है, दुष्कर्म करता है। घर परिवार में रिश्तेदार ही कुछ ना कोई ऐसे निकल जाता है कि वो छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देता है। बच्चे अपने घर में सीखते हैं, स्कूल में सीखते हैं, लेकिन यहाँ पर भी सुरक्षित नहीं है। कैसा समाज बन रहा है? नमस्कार मैम, मैं सीमा सोलंकी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं भी आज एक 16 साल की बेटी की माँ हूँ, और अब जो घटनाएं हमारे मध्य प्रदेश में घटती जा रही है उससे एक डर और भय का माहौल बनता जा रहा है कि हम हमारी बेटियों को कैसे सुरक्षित रखें। जिस तरीके से भोपाल के अंदर स्कूल के अंदर एक विद्या अध्यापक अगर बेटी के साथ इस तरह की घटना करते हैं तो बहुत ही निंदनीय है ये चीजें। और कहीं ना कहीं जिन लोगों के भरोसे हम हमारे बच्चों को स्कूल भेजते हैं, चाहे वो कोचिंग हो, चाहे कहीं और हो, कोई क्लासेस हो, या कहीं भी शहर में हम उन हमारी बच्चियों को किसी के भरोसे भेजते हैं, तो उनका दायित्व बनता है कि वो अपना अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से निभाए। लेकिन कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश इन चीजों में चूकता जा रहा है, और देश प्रदेश में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही है। अभी कुछ महीनों में हम देखें तो काफी ऐसी घटनाएं हुई है जिसमें बच्चियों ने सफर किया है। आज जिस तरह की घटना भोपाल के अंदर हुई है कि 3 साल की बच्ची के साथ जिस तरह का दुष्कर्म और जिस तरह की घटना की है, वो बहुत ही निंदनीय है कि समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या हो रहा है। अब कैसे हम इन चीजों को फेस करें? मध्य प्रदेश से मेरी मध्य प्रदेश की सरकार से मेरा ये अनुरोध है मैडम कि कम से कम वो एक ऐसा सिस्टम बनाए जो ताकि बच्चियों को सुरक्षित कर सके। जहां एक सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि एक दिन की एक्शन से कोई काम नहीं होता, आपको प्रशासन की व्यवस्था ऐसी करनी पड़ेगी कि कम से कम एक भय रहे कि कोई भी अपराधी अपराध करने से पहले ये डर रहे उसके मन में कि मैं इस घटना के लिए अगर ये करूंगा तो मेरी फैमिली को ये सफर करना पड़ेगा या मेरे को इन चीजों से गुजरना पड़ेगा, तो कम से कम उसमें एक भय रहेगा। आज अगर हम एक दिन कोई भी पुलिस प्रशासन हो, या आप देखें यहाँ पर कि जाम गेट पर जो इंदौर शहर के अंदर एक घटना हुई है वो भी एक निंदनीय है कि अगर पिकनिक स्पॉट भी सेफ नहीं है, स्कूल सेफ नहीं है, कोचिंग सेफ नहीं है, यहाँ तक कि हमारा घर भी सेफ नहीं है, बिल्कुल तो कैसे हम रहेंगे मैम? भय की एक बहुत अच्छी बात आपने कही, बिल्कुल। अरविंद जी, आपकी ओर आना चाहूंगी, क्योंकि भय की जो बात कहते हुए नजर आ रहे हैं वो आज के समय में लोगों में, अपराधियों में नहीं देखने को मिल रहा है। कानून, अब यहाँ पर अगर हम कार्रवाई देखें, अगर इस पूरे मामले में, तो कार्रवाई काफी अच्छी की गई है, लेकिन क्या सिर्फ इस कार्रवाई के भरोसे पूरा अपराध रुक सकता है, अपराधियों में खौफ बन सकता है? ये एक बड़ा सवाल बन जाता है। हमको दोनों पक्ष देखना पड़ेंगे, एक तो सामाजिक पक्ष देखना पड़ेगा और दूसरा शासकीय वैधानिक पक्ष देखना पड़ेगा। सामाजिक पक्ष में ये हर पेरेंट्स की जिम्मेदारी है बच्चों में ऐसे संस्कार दें उनको, जैसे हमारे अभी 15-20 दिन बाद नवदुर्गा आ रही है, हम देवियों को पूछते हैं, कन्याओं के प्रति, महिलाओं के प्रति बच्चों में इतने, हर परिवार में इतने संस्कार दें, उनके प्रति आदर सम्मान रहे। एक जीते जागते देवी के तौर पर हमारे संस्कृति में माना जाता है सामाजिक शिक्षा दें, और सेक्स की शिक्षा बेझिझक पेरेंट्स दें। हमारे भारतीय समाज में एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है, सेक्स की शिक्षा ना लड़कों को देते ना बच्चों को देते। सामाजिक जागरूकता इसमें सबसे ज्यादा आवश्यक है। दूसरा, मैंने आपको पहले बोला था ना कि इस कांड में, इस केस में एक दो दिन चर्चा, 3-4 दिन चर्चा होगी, फिर ये न्यूज से निकल जाएगा इससे मैटर। जब तक ऐसे अपराधियों को कठोर फांसी की सजा का प्रावधान है, पास्को एक्ट प्लस 302 भी लगी है, तो इसमें फांसी की सजा जितनी जल्दी होगी, जितना ज्यादा प्रचार होगा, जो सामाजिक कार्यकर्ता मैडम बोल रही थी उनकी बात का मैं तस्दीक करता हूँ, फांसी की सजा जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा लोगों में भय पैदा होगा। इसके लिए दो चीज चाहिए, जो अनुसंधानकर्ता अधिकारी है उसकी जिम्मेदारी फिक्स की जाए, दूसरा हाईकोर्ट भी मॉनिटरिंग करे कितने छोटी न्यायालय है जो ऐसे अपराधियों को संदेह का लाभ देकर बरी कर देते। हाईकोर्ट की भी जिम्मेदारी, कोर्ट की भी जिम्मेदारी, यदि मान के चलिए साक्ष्य में थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो जाता है तो ऐसे आरोपी को संदेह का लाभ कतई नहीं दिया गया। जैसे एंटी करप्शन का एक्ट बना हुआ, उस पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि आरोपी को संदेह का लाभ ना दिया जाए, तो इस एक्ट में भी सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट की मॉनिटरिंग करे कि किसी भी सूरत में आरोपी को संदेह का लाभ ना दिया जाए, और जो अनुसंधान अधिकारी है उनकी जिम्मेदारी फिक्स हो। अभी क्या होगा, 2-4 दिन में यह हल्ला चलेगा, 6 महीने बाद मालूम पड़ेगा केस एक्यूटल हो गया, आरोपी फिर घूम के बाहर आ जाएगा। ये सिर्फ 2-3 चीज सुझाव है सरकार को, एक तो सामाजिक, हर परिवार अपने बच्चों को शिक्षा दे, सरकार भी दे, और मेरे ख्याल एक एजुकेशन में सिस्टम हो जाए, शिक्षा का, नैतिक शिक्षा का तो बहुत अच्छी चीज है,
और दोनों की जिम्मेदारी बराबर है, सरकार की भी और समाज की भी। जब दोनों पैरेलल करेंगे तभी काम हो पाएगा। ये मानसिक बीमारी कैसे पैदा होती है डॉक्टर इला मैडम ने बता ही दिया है, इसके लिए चिन्हित करना पड़ेगा। पेरेंट्स चिन्हित कर सकते हैं, समाज चिन्हित कर सकता है कि ये अपराधी है, ये लड़का मानसिक तौर पे विकृत हो गया। उनकी कुछ गतिविधियां होती है जो मैं आपको शेयर करना नहीं चाहता, लेकिन अंदाज लग जाता है परिवार को, मोहल्ले वालों को, कि ये लड़का, ये आदमी खुरापाती है, इसकी मानसिकता विकृत है, उन पर निगरानी रखी जाए। और दूसरा एक सुझाव और है, जेल के साथ साथ उनको मानसिक चिकित्सालय में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाए। मानसिक विकृत हो चुके, एक छोटा बच्चा खिलौने की तरह होता है, मासूम बच्चा होता है, उसको यही नहीं पता होता कि क्या हो रहा। ऐसे लोगों का मानसिक इलाज करना बहुत आवश्यक है। ये समाज में आने वाले छूट के भी आ भी जाते हैं, 1% कोर्ट छोड़ देती है, तो मानसिक तौर पे इनका सुधार भी जरूरी है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात कही आपने। इला जी आपकी ओर आना चाहूंगी, क्योंकि आपने कहा कि परिवार वालों को नजर रखना चाहिए, आसपास लोगों को नजर रखना चाहिए, लेकिन जब अपराध में क्या हो कि परिवार वाले ही शामिल हो जाएं और वो साथ दें। जी, ये बहुत ही बड़ा प्रश्न है कि इस केस में जिससे परिवार वाले ही उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर परिवार वाले सपोर्ट कर रहे हैं तो पुलिस को उसको तो सजा देनी ही चाहिए, हमारे कानून को परिवार वालों को भी सजा देनी चाहिए, क्योंकि एक तरह का मिसाल समाज में बनना चाहिए कि आप अगर किसी गलत को सपोर्ट कर रहे हैं तो आप भी उसी उतने ही गुनाहगार हैं, ये मेरा ऐसा मानना है। और हो सकता है कई बार साइकोटिक डिसऑर्डर्स जो रहते हैं वो जेनेटिक होते हैं, तो कई बार एक परिवार के 2-3 सदस्य भी एक ही प्रकार की बीमारी से ग्रसित होते हैं। जैसे माँ, माँ से बेटे में आया, तो एक जनरेशन में एक व्यक्ति को होगा। तो इस केस में हम ये भी सोच सकते हैं कि हो सकता है माँ भी डिप्रेसिव टेंडेंसी में हो और सिस्टर पे दबाव डाल के या किसी भी कारण से उसको भी सपोर्ट करना पड़ रहा हो, क्योंकि ये अंदरूनी परिस्थितियां हम नहीं जान सकते जब तक हम मानसिक रूप से उनका चेकअप नहीं कराते हैं। तो इसमें हम यही कर सकते हैं कि कोई भी परिवार आपके सोसाइटी आए तो तुरंत तभी इनिशिएटिव लेकर उसके बारे में जानकारी दे अगल बगल के पुलिस स्टेशन में, नहीं तो हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर ही कुछ करके, क्योंकि मानसिक रूप से जो बीमार लोग होते हैं उनके वो डॉक्टर के पास कभी नहीं जाते, उनके लिए वो चीजें नॉर्मल है। बिल्कुल अजय, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले पूर्व मंत्री उषा ठाकुर की तरफ से कहा गया था कि रेपिस्टों को बीच चौराहे पर सजा देनी चाहिए, और जिस तरह से हम भोपाल की स्थिति देख रहे हैं, क्या भोपाल की स्थिति को देखने के बाद इतने सख्त रवैया अपनाया जा सकता है, इस पर विचार किया जा सकता है? देखिए, आप कितना ही सख्त रवैया अपनाने की बात करें, आप और हम यहाँ टेलीविजन स्क्रीन पर बात कर सकते हैं, वास्तविकता में धरातल पर ऐसा कुछ होता है क्या? राजनीतिक दल के नुमाइंदे अक्सर ये बात कह के चले जाते हैं कि जो आप जिनका जिक्र करते ही थे, पूर्व मंत्री उषा ठाकुर का, उनके बयान बेहद तल्ख हो सकते हैं। वास्तविकता में ऐसे घृणोने कृत्यों के लिए वाकई हम तल्ख काम कर रहे हैं या उनको सजा उतनी दिला पा रहे हैं? जब तक सजा मिलती है यहाँ पर अस्मिता, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। शायद जो पीड़ित परिवार है उसकी न्याय की आज भी खत्म हो जाती है। राजधानी भोपाल में ये कोई पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी सिर कुचल के मारने से लेकर दूसरी घटनाएं बलात्कार के बाद मासूमों के साथ हो चुकी हैं, और कई मामलों में जो है मौत की सजा भी सुनाई जा चुकी है भोपाल कोर्ट के द्वारा, लेकिन अभी भी सालों से मामले चल रहे हैं। मामला भी निचली अदालत में जाएगा, निचली अदालत से ऊपरी अदालत में जाएगा, फिर हाईकोर्ट में जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा। मतलब सजा, मौत की सजा के लिए तो बहुत लंबी प्रोसीजर है। और आपको, हमको सबको याद होगा जिस तरीके का निर्भया का पूरा मामला हुआ था, वो मामले को कोई नहीं सकता किस तरीके से रायसीना हिल्स तक पे लोग पहुंच गए थे और प्रदर्शन हुए थे बड़े-बड़े, उनको फांसी दिलाने में इस देश में कितने साल लग गए थे, तब जबकि ऐसा घिनौना कृत्य था, इतना दरिद्रगी दिखाई गई थी उस पीड़िता के साथ कि जिसका कोई अंदाजा नहीं था, लेकिन देश का सबसे हाई प्रोफाइल मामले में यदि इतना लंबा वक्त लगता है तो निचली अदालत में चल रहे दिक्कत ही इसी बात की है कि मामला होता है और जब मामला नया नया होता है तो तूल पकड़ता है, लेकिन कुछ समय बाद लोग भूल जाते हैं क्योंकि उस पर कार्रवाई इतना स्लो होती रहती है, और स्लो रवैया ही कहीं ना कहीं अपराधों को और बढ़ावा दे देता है और यही श्रेय मिल जाता है। सीमा जी आपकी ओर आना चाहूंगी, आखिरी कुछ
कुछ मिनट बचे हुए हैं और ऐसे में एक ये अहम सवाल है कि आखिर लोगों में, अपराधियों में भय की कमी होती जा रही है, इस भय को कैसे बरकरार रखा जा सकता है, क्या ऐसा उपाय अपनाया जाए जो लोगों को मॉरल वैल्यू भी दे दे और भय भी बढ़ जाए। मैं ये कहना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश सरकार को एक सख्त कदम उठाना चाहिए जो कि एक ऐसा निर्णय हो कि लोगों के अंदर एक भय बैठे कि अगर इस तरह की कोई घटना घटी तो हमारे व्यक्ति खुद से खुद के साथ जो होता है उसके लिए तो वो तैयार रहता है, लेकिन जब उसकी फैमिली के साथ या उसके परिवारजनों के साथ कुछ ऐसी घटनाएं होंगी तो उसके लिए उसको ऐसा इस तरीके से कोई निर्णय लेना चाहिए कि अगर आपने कोई घटना की है तो उसकी सजा आपके पूरे परिवार को भुगतना पड़ेगी, या इस तरह के कोई निर्णय लिए जाए कि आपकी आपके परिवार को इस समाज के अंदर नहीं रहने दिया जाएगा। ये कोई ऐसा सख्त कदम मध्य प्रदेश सरकार को, बिल्कुल इस पूरे मामले को अगर देखा जाए और जिस तरह से अपराधों की इन दिनों हम धरपकड़ करते हुए देखते नजर आ रहे हैं, संख्याएं बढ़ रही हैं, उसको देखते हुए यही नजर आता है कि मॉरल वैल्यूज एक बढ़ाना चाहिए, साथ ही साथ लोगों में अपराध को लेकर भय भी पैदा होना चाहिए कि आखिर उसके बाद कानूनी सजा काफी खतरनाक होती है और कोई कहीं ना कहीं सख्ती भी यहाँ पर बनती है। बहरहाल आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और कहीं ना कहीं उम्मीद यही की जा रही है कि जैसे कि आज कार्रवाई देखने को मिली, आने वाले समय भी इसी तरह से सख्ती से कार्रवाई देखने को मिले और लोगों में भय पैदा हो। इसी के साथ खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।